एसएसपी सतिंदर सिंह की अगुवाई में खरड़ पुलिस ने लगाया नशे के खिलाफ जागरूकता कैंप। एसएस नगर पुलिस वालों खरड़ के राम भवन विखे नशे के खिलाफ जागरूकता कैंप और सैमीनार का आयोजन किया गया, जिस दौरान एसएसपी मोहाली सरदार सतिंदर सिंह मुख्य मेहमान वजो शामिल होए। इस मौके वड्डी गिनती विच हाजिर खरड़ वासियां नूं संबोधन करदिया एसएसपी सतिंदर सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग लोगों के सरगर्म सहयोग नाल ही जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि नागरिक ही पुलिस की सब तो वड्डी ताकत हैं और अपराधा ते काबू करन विच शहरवासी ही पुलिस की मदद कर सकते हैं। बहुत ही सत्कारयोग एसएसपी साहब मोहाली सरदार सतिंदर सिंह जी ते पुलिस प्रशासन ते होर प्रशासन के जड़े मैंबर साहिबान ने थोड़ा सारिया वालों अज इस पुलिस पब्लिक मीटिंग आन का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन वालों साडे सारिया वालों थोनों मैं जी आया। बाकी विस्तार एसएसपी साहब थोनों दसणगे, पर एक एसएसपी साहब ने इच्छा जाहिर की कि एक तो जिहड़ा इंटरैक्शन है पुलिस ते पब्लिक का वो एक खुले तौर पर हो रहे, ये एक इंटरैक्टिव मीटिंग है। असी चाहांगे कि जो थोड़े वालों की कोई फीडबैक हैगी है वो तुसीं एसएसपी साहब नाल शेयर करो, तो असी अपने कार्यकारी के उस चीज़ को इंबाइव करना चाहेंगे, तो अपनी अपना काम इंप्रूव करना चाहेंगे। हुण मैं एसएसपी साहब नूं बेनती करूँगी कि वो थोड़े नाल अपने विचार सांझे करन। थैंक यू। सारे पत्रकार सज्जनां नूं, प्रेस तों आए मेरे भरा सारिआं नूं सत श्री अकाल। मैडम ने तुहानूं बड़े विस्तारपूर्वक दस्सिआ, मैं डिटेल शुरू करन तों पहलों मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करूँगा कि किसी भी दोस्त ने कोई अपना सुझाव कुछ भी तुसीं कहना चाहते हो जिदे नाल असीं आपके काम च सुधार ला सकीए, और जो कमियां पेशियां तुसीं समझते हो कि ये आम ही देखने च मिलदियां है, इतने सानूं ज़्यादा मेहनत करन दी लोड़ है, चाहे वह ट्रैफिक के संबंध होवे, चाहे वह नशियां दे खास करके नशियां दे खिलाफ होवे, चाहे वह कोई भी छोटे तो छोटा इशू जिदे नाल आम पब्लिक आम आदमी प्रभावित होता है उसके बारे तुम जरूर दस सकते हो। तो फिर अखीर दे विच मैं तुहानूं सारिआं नूं अपने विचार और असीं उहदे विच की सुधार ला सकते हैं किवें कर सकते हैं उहदे बारे डिटेल च गल करां। सो मैं तुहानूं बेनती करदा हां, इह नहीं है कि तुसीं कुछ भी इत्थे कहोगे तो उहदे नाल कुछ असीं महसूस करांगे, ते तुहाडे दस्सण नाल कई बार कई चीज़ा होंगे साढ़े वालों बोलियां हो जाएगा, जो असं होर कामों जितने रुचिया होंगे सानू ये चीज़ा पिछे हट जाएगा है अभी वो सुधार लिया सकते। सो मैं बेनती करूँगा जिसने भी कहना तुम आपकी सीट पर ही बैठ के खड़े होकर कर सकते हो, माइक तुहाडे कोल आ जाऊगा उसे बैठ के तुम कर सकते हो। इस मौके खरड़ वासियों ने कानून व्यवस्था संबंधी पेश आ रही समस्यावां बारे जानकारी दी और दस्सिया कि खरड़ विच आए दिन चोरी और स्नैचिंग दीआं वारदातां हो रही हैं, नशे का कारोबार वध रहा है। इस दे नाल ही नौजवानों विच सबर की घाट होने कारण लगातार लड़ाई झगड़े और खून खराबे हो रहे हैं। जी मैम, जिन्हें भी तुसीं स्टाफ बैठे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। पहली गल, तुसीं खरड़ नूं चुनिया, मैं 12 साल तो जिम चला रहा, मेरा रंधावा रोड जिम है ऋषि फिटनेस पॉइंट, इदा सा अखाड़ा चल रहा पहलवानी करने बच्चों। मैं एक चीज़ देखी है, आप ब्लेम पुलिस ने भी कर सकते, आप सारी गल सरकार पुलिस से ना गिरीए, जिन्हें जिम वाले ने उन्होंने मीटिंग अगली बार तुम जरूर बुलाओ, क्योंकि वह भी एक बैकबोन है। सॉलिड मुंडे ने ड्यूटियां देने तो नैचुरली बहुत अच्छे रिजल्ट आऊंगे। थोड़ा अगर साढ़े तालमेल सही चल रहा ना तो अद्धे काम असं आप निपटा रहे थोड़े नाल मिलकर, सानू साडा मन होता भी हर बच्चा माँ बाप का तगड़ा होकर जाए ना, तगड़ा रहे नशे तो दूर रहूगा, बच्चा बैकबोन है, जिन्ना सॉलिड होगा देश उन्ना सॉलिड होगा जी। मेरे वालों थोड़ी एक सलाह, नैक्सट टाइम तुम जिन्हें भी जिम हो ना उन्होंने ऑनलाइन जरूर बुलाओ प्लीज। थैंक यू सो मच। पुलिस अपने वालों बड़ी कोशिश कर रही है, सरकार बड़ी कोशिश कर रही ने कि नशे जोड़े ने वो खत्म हो जाए या घट हो जाए, पर असं देख रहे हैं कि नशे बढ़ते जा रहे हैं, नशे घट नहीं हो रहे।
बड़े बड़े सुझाव देने के इन्होंने लिए कौन जिम्मेदार है, किन्हें इस दूर किया जाए। सुझाव बड़े ने, कदे किसी की समस्या का कोई एक सुझाव नहीं होया करता, मगर एक वड्डा सुझाव जरूर होया करता। और मैं वो सुझाव देना चाहगा कि जिन्हें साढ़े शर्मा जी ने कहा कि ज़्यादातर नशे जड़े ने जो टीनएजर ने उतों स्टार्ट होंगे, वो जो टीनएजर बचे ने उन्होंने माँ बाप हो गए। और अजकल के जमाने तुम देखे कि बच्चे भी साढ़े को एक 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 बच्चा ही है मुड़ते, और असी अपने बच्चों इस तरीके उन्होंने नाल जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं कि असी उन्होंने घंटे घंटे का हिसाब रख रहे हैं। जो तक असं बच्चों पढ़ाते हाँ एक एक घंटे का शड्यूल साढ़े को होता है, पर बड़ी हैरानी की गल है कि वो माँ बाप की निगरानी हेठ वो बच्चे नशे क्यों कर पे। मेरा मानना तो मेरा समझना यह है कि बच्चे जो नशे करते हैं उनको सब तो पहला जिम्मेदार उसके माँ बाप ने। जदों बच्चा नशा करता है ना बच्चे दिया आदतें बड़ी छेती बदलदियां ने, और सियाने माँ बाप इस चीज़ को पकड़ते हैं। मगर हो उल्ट रहा है कि माँ बाप अपनी इस जिम्मेदारी को प्रॉपर नहीं निभा रहे, सारा दोष वो सरकार के मढ़ते हैं, और सरकार के भी कल सीएम सीएम साहब के मढ़ देते हैं कि भी कैप्टन साहब जोड़े ने उन्हें पंजाब नशे के लाता कुछ ऐ लगता है कि खबरें कैप्टन साहब सवेरे उठ के उन्होंने भीम की गोली वट के देता है, ऐदा भी नहीं लगता। तो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के कई तरह के इल्जाम लगा देने आप, सर इस तरह नहीं लगा। मुढ़ली जमीन जिम्मेदारी माँ बाप, मैं कहना अज के युग च किसी माँ बाप को चार या पांच पुत्र नहीं है, सब को एक बच्चा ही। अगर वो अपने बच्चों की निगरानी शुरू कर दे तो मैं कहना ना समस्या का हल हो सकता है। फ्लैट्स है मोस्टली मेरे वार्ड फ्लैट्स आ जाते हैं, तो फ्लैट जिदा इन्होंने पहला गल की कि लोग उत्थे रेंट पर रहेंगे हैं, जोड़े लोग रेंट पर रहेंगे जी मैंने जो सुनने मिले कि उन्होंने कई लोग उत्थे फ्लैट रेंट पर ले लेंगे, तो यह जो काम करते जिदा नशा तस्करी का या होर जो गलत काम है उत्थे करी जाते हैं, तो वह वो वध करिए क्योंकि एक तरह ग्राउंड लैवल तो ही जो आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करिए कि वह नशे वाल ना जा बहुत हैल्प होगी जी। वे तीसरी गल सर जिमें पंजाब पुलिस वैसे भी स्पोर्ट्स बहुत अगे है, तो मैं चाहता भी आप स्पोर्ट्स ड्राइव या फिर यह टूरनामेंट्स कराया करिए जिद बच्चों होर हौसला मिले कि भी हाँ भी असं स्पोर्ट्स अगे निकलीए, क्योंकि जो कोई बच्चा स्पोर्ट्स वाल तुरदा सर तो वो इस चीज़ तो काफ़ी दूरी बनाई रखता है। तो बस इस बाकी थोड़े सारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नशे तो मुक्त हो सके इस करके मैं यही कहाँगा कि यह जो सैमीनार है तुम छोटे लेवल के वार्ड वाइज या महला वाइज इनू शुरू करो ये टीम ताकि यह मुहिम होर अगे बढ़ सके। धन्यवाद। बड़े अच्छे सुझाव और बढ़िया चंगे ओपीनियन आए आपके, कोई होर भी दोस्त कहना चाहता थे अलर्टनेस का मैं अगर छोटे जहाँ धारण करना सन 2000 गल है मैं फगवाड़े DSP सी उदो PCO होंगे सी मोबाइल फोन बहुत घट सी, एक PCO वाले दोस्त ने सिर्फ इन्ना आके ऑफिस दसिया कि सर एक नवा बंदा आ 5 दिन तो ही मेरे PCO च आ गया और नेपाल च फोन करता तो ढाई 3-3 हज़ार का फोन कर दिता, वो कुछ नहीं उन्हें दस। सो अलर्ट सीगा इन्नी इनफॉर्मेशन साढ़े लिए काफ़ी सी, असी उत्थे ट्रैप ला के जो बंदा फोन कर आया तो असं काबू कर लिया। तो नेपाल तो गैंगस्टर आए थे कॉन्ट्रैक्ट फिलिंग कर नेपाल तो ही भेजे गए, किसी तो बंदा UK च रहा सी उन्हें आपके ही रिश्तेदार मरवाना, तो एक तो वो जाना बच गई माड़े अंसर पड़े गए। सो अलर्टनैस पब्लिक वालों अलर्टनैस ते आले दुआले जो कुछ हो रहा है तुम की देख रहे हो की महसूस करते हो कि सोसाइटी बहुत मैटर कर, और जिम वाला सुजैशन दिता बड़ा इंपोर्टेंट सुजैशन आ, असी हमेशा जोड़े दोस्त जिम च जाते हैं अपनी सेहत का ख्याल रख के उन्होंने हेल्प लेते हैं,
ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਮ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚਲੋ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਿਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਪਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਸਬਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਫ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 95 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ SP ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ
फर्ज़ असी इकट्ठे होइए, असी हाथ ना हाथ मिलाइए और थकीए ना। एक बार रास्ता कितना कितने कोई कमी पेशी रहेगी, ये ना सोच लीए कि यार इतने तक कोई फर्क ही नहीं पैदा, मैं दस के आया सी फिर भी फर्क। जदों हर शहरी आपका ही फर्ज समझ लग जूगा कि नहीं, चाहे मैनू ये बारे दस बार उठना पड़ूगा पर मैं उठूंगा, ये चीज़ मैं खत्म करूँगा और कितने भी जो पुलिस अफसर मेरे से गैली करता है मैं उसके खिलाफ की लड़ाई लड़ूंगा, तब वो कामयाबी मिलेगी। मानयोग सीएम साहब की, मानयोग डीजीपी साहब की, साढ़े जितनी भी मीटिंग्स होती हैं यकीन जानते हो ये चीज़ा पहले तौर पर देखिया जाए कि असी सारे रल के इस चीज़ के उपर असी काबू कर। पर इदा नहीं है कि सानू कामयाबी नहीं मिली, बहुत अच्छा काम होया पिछले सालों के विच, बड़े जड़े आप कह रहे थे बड़िया मछलियाँ वो भी गिरफ्तार हुई और अरेस्ट भी हुए, रिकवरी भी हुई, पर फिर भी इस बीमारी को जब तक सारा समाज एक मुठ नहीं होगा कंट्रोल करन च देरी हो जाएगी। सो मेरी तुहानू अपील है, मेरी तुहानू बेनती है कि साडी मदद करो और आपां जरूर जिन्ने आपां दोस्त बैठे हैं दोनों पासे ही काम करने हो। जिहड़ा बच्चा बीमार हो गया असी सारे रल के उहदे इलाज वाले पासे जरूर ध्यान दे और उहदे माँ प्यो नूं मोटीवेट करिए कि आओ आपां जाके पुलिस नूं दसीए। जिहड़ा बच्चा इस बीमारी का शिकार हो गया है जे तुसीं सानूं दसोंगे असीं उहदे ते कोई पर्चा नहीं दर्ज करांगे। साडी कोशिश होगी कि उहदी बीमारी तों ठीक करके उहनूं समाज का फिर असीं वधिया अंग बनाईए जो कि बीमारी का शिकार होने तों पहलों सी। उहदे ते पर्चा दे के सानूं कोई असीं साडा कोई ना साडा इस चीज़ वल असीं चाहुंदे हां ना ही असीं करांगे। साडे बच्चे हुण जे जिहड़ा नशा वेचदे आ जिहड़ा इन्हां नौजवानां नूं इस नशे ते लाउंदे आ उहनां प्रति साडी कोई भी ढिल नहीं हो, उहनां नूं असीं तगड़े हथी लवांगे और कानून अनुसार सज़ा देवांगे। पर सानूं इह चीज़ दे खिलाफ रल मिल के ही चलना पौ और जदों ये मैसेज भी मान लो आप खरड़ शहर की गल करते हैं या कॉलोनी की गल करते हैं जदों आले दुआले मैसेज चला जाए कि नहीं जी हम इतने लोग पब्लिक इकट्ठे होके ये खिलाफ लड़नगे तो ये शरारती बंदे इलाका छड्ड देंगे। ये उन्नी की देर पलते पलते उन्नी देर असी सुते। सो सानू जागना और जाग के इस स्टेप अगर लैके साड़ी मदद करनी ये बहुत जरूरी है। वेरीफिकेशन की गल हुई, काफ़ी ज़्यादा इतने किराए के कॉलोनी का काफ़ी ज़्यादा बाहरों लोग आके रहते हैं और पिछले जो तुम देखा होना करड़ के इलाके पुलिस नाल मुकाबले भी हुए, गैंगस्टर भी फड़े गए। असी पिछे जे स्कीम लॉन्च करने की कोशिश की सी थोड़ी डिले हो गई पर मैं तुम्हें यकीन दवाना कि एक महीने के बीच में असी जरूर लॉन्च करांगे और खरड़ जगह ट्रायल रन भी होया सी। असी एक ऐप बना लगे हैं, वो ऐप दे तुसी डाउनलोड करके जिन्हें भी मकान मालिक आ उन्होंने पुलिस स्टेशन आने की लोड़ नहीं है, वो आपके घर बैठे ही जरा कोई किराएदार वो को आया उसकी फोटो तुम खिंचोगे अपने टेलीफोन और एड्रैस नोट करोगे और तुम बस वो ऐप से अपलोड कर दो। अगे असी आपका काम अपने आप चलावे ताकि और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एक साल तक असी कोई पैसा चार्ज नहीं करा। उस तो बाद जो नॉमीनल सा खर्च चल रहा है, जो नॉमीनल
इन्ने सानू पैसे उस ऐप नू चलाउण देण लगते आ उन्ना ही असीं चार्ज करांगे, बट एक साल तक असीं उह फ्री ऑफ कॉस्ट चलावांगे। और उहदे च इह होगा जिहड़ा किराएदार आया है उहदे नाल जिहदे नाल तुसीं एग्रीमेंट कर रहे हो कहीं उहदी फोटो वट्सएप नहीं होगी सानू उहदे नाल जिहड़े उहदे स्कूल च चार पंज बच्चों ने नाल लिया तो चार पंज बच्चों की सारे की ही फोटो अपलोड। और जे फैमिली है उहदे च सिर्फ मेल मैंबरस की फोटो अपलोड होगी, मेल मैंबरस भी वह जेडे 20 साल तो उपर 20 साल तो लैके 50 साल तक का असर रखा, जो 50 साल तो उपर होगी उन्होंने फोटो अपलोड करने की लड़ नहीं और 20 साल तो थलड़े बच्चे की फोटो अपलोड करने की लड़ नहीं। और सिर्फ मेल मैंबर लेडीज की नहीं, लेडीज़ का असी जिसे नाम से टेनेंसी रजिस्टर करोगे सिर्फ उस केस सपोज किसी लेडी के नाते हो रही है वह असी अपलोड करावे, बाकी फैमिली लेडीज है उन्होंने असी फोटो अपलोड नहीं करावे, मेल मैंबर से सारी लोग। और असी ये पूरा जोर ला के एक महीने के पिछले सारे मोहाली डिस्ट्रिक्ट असी इन शुरू करवा रहे ताकि वो जी वेरीफिकेशन आ एक तो वेरीफिकेशन हो सके। असी ये ट्रायल रन किए थे, ट्रायल रन करके खरड़ भी ट्रायल रन किए थे साइड तो जब बच्चे साइड तो कोई नहीं कोई जब असी ट्रायल रन किए तो खरड़ भी लंगड़ा रोड साइड दो तीन कॉलोनी सी तो चार पाँच किराएदार जब फोटो मंगिया तो वो लैब छड़ के चले। सो इफेक्टिव चीज होगी तुसी जाके थाणिया दे विच जां सांझ केंद्र च देना तुहानूं वी मुश्किल लगती है और इन्ने सारे हो नहीं पाउंदे। सो केस स्टेशन वाइज असीं इस चीज़ नूं शुरू कर रहे दूसरा असीं सारे साथियों ने इस गल नूं भी पिछे एक बुलारे नूं दस्सा कि चेन स्नैचिंग हुंदी आ, टैलीफोन खोया जाता, असीं 100% FIR रजिस्टर करते हैं किसी की चैन स्नैचिंग हो जाए, किसी का एक्टिवा चोरी हो जाए, इनफैक्ट इतों तक कि चाहे बिजली के मीटर भी चोरी हो असं वो भी FIR रजिस्टर किए ताकि पब्लिक को यह ना महसूस लगे कि पुलिस क्राइम आ रही है, पुलिस सानू रजिस्ट्रेशन भी करके रही, सानू पता होगा कि साढ़े एरिए चल की रहा। सो 100% रजिस्ट्रेशन होती है जे कि किसी लगता कि मैं आपका क्राइम आपकी चोरी आपकी थैफ्ट रिपोर्ट की थी और FIR दर्ज नहीं हुई तो DSP साहब को SP मैम को मेरे को जो मर्जी अप्रोच कर सकते आओ आप रल मिल के एक दूसरे की मदद करिए और समाज के खातर करिए, आपके बच्चों के खातर करिए, साड़ी नौजवान इस आने वाले उन्होंने को एक चंगा दिन दी वो असं सारे मेहनत करिए और एक चंगा रिजल्ट दे। कोई इदा का इशू नहीं है जो आप जित नहीं सकते, जरूर कर सकते हैं पर थोड़ा उठ के दो कदम चलने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वसनीका ने SSP तो मांग की कि इस संबंधी लोड़ींदी कार्रवाई की जाए और पुलिस नूं सहयोग का भरोसा दिता। खरड़ तो शमिंदर सिंह की रिपोर्ट।